तो हे गाइस, सुप्रभात, राम राम सभी को। सुप्रभात क्या ही बोलूं, अभी रात का टाइम है। तो गाइज अभी हम उठ गए हैं, सो गए थे, थोड़ा दवा खा के तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है आजकल हमारा। तो आज मम्मी भी नहीं है घर पे, तो सोच रहे खाना क्या बनाए। तो बाजार से लेके आए थे हम पनीर, तो आज जा रहे हैं पनीर का सब्जी बनाने और मस्त खाते हैं आज पनीर बना के। और गाइज इधर का भी लाइट वगैरह नहीं जल पा रहा है आज, पता ना क्या हो गया है लाइट में हमारा, और यहाँ पर एक लाइट सिर्फ जल रहा है। तो चलते हैं पहले पनीर बनाते हैं। सो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर है हमारा पनीर, अब जा रहे हैं इसको बनाने के लिए, लेके आए थे बाजार से। चलिए अभी देखते हैं, बनाते हैं थोड़ा। वैसे तो हमको बनाने आता नहीं है उतना अच्छा, हम भी सीख रहे हैं, तो अभी देखते हैं थोड़ा बनाते हैं उसको, अच्छा से ट्राई करते हैं कैसा बनता है, कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम अपना प्याज कटिंग कर लिए और यहाँ पर अपना पनीर भी कट कर दिए, दोनों कटिंग हो गया। अब थोड़ा देखते हैं, मिर्चा शायद लग रहा है नहीं गाइज, तो जा रहे हैं गाँच से तोड़ने के लिए मिर्चा। तो गाइज अभी बना रहे थे पनीर और हरा मिर्चा है नहीं घर पे, तो जा रहे हैं खेत में से अपना जो गाँच है उसमें से तोड़ने के लिए, बहुत सारा मिर्चा लगा हुआ है, तो चलिए वहीं पे तोड़ते हैं। और तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गया, सर्दी वगैरह हो गया, बुखार। तो गाइज फाइनली आ गए अभी अपना गाँच में और इतना मिर्चा तोड़ भी लिए हैं, और देखते हैं तोड़ते हैं। यहाँ पर है एक दो चार और, देख लीजिए गाइज यहाँ पर है दो तीन और मिर्चा, इस सबको भी तोड़ लेते हैं। और गिर भी जा रहा है यहाँ पे एक दो। तो गाइज इतना फाइनली मिर्चा तोड़ लिया अपना खेत से, तो ये है बोने का फायदा, रात में भी मिर्चा नहीं है तो अपना आके तोड़ लो आराम से गाँच में से, क्या तो ये फायदा है गाइस बोने का। कढ़ाई बैठाने से पहले सोचे कि सब इंतजाम जो होता है अपना सामग्री सब पूरा कर लेते हैं, और आगे अभी धनिया पत्ता फोटने के लिए अपना खेत में। यहाँ पर देख लीजिए सब धनिया पत्ता है, तो ये सबको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा काम जितना काम है उतना निकाल लेते हैं अभी फिलहाल। तो गाइज अभी देख लीजिए मस्त धनिया पत्ता अपना हरा भरा हो गया है, और इसमें से अपना खोट लेते हैं धनिया पत्ता काम भर, तो अभी मस्त बड़ा बड़ा भी हो गया है गाइज, छोड़ दिए थे बहुत दिन से नहीं निकाल रहे थे धनिया पत्ता, तो अभी बड़ा बड़ा भी हो गया अच्छा खासा, तो आई थिंक मेरे इस हिसाब से इतना काफ़ी होगा, तो इतना निकाल लिया, अब जाते हैं इसको धो लेते हैं अपना अच्छा से। सो गाइज अभी जैसे जा रहे थे कढ़ाई बैठाने के लिए अपना सब्जी बनाने के लिए, तो इसमें देख रहे कि हलवा भरा हुआ है गाजर का, तो अभी ये कम और बढ़ गया, अब इसको खाली करना पड़ेगा और खाली करके धोना पड़ेगा गाइज, तो अभी जा रहे हैं इसको खाली करके धोने। तो गाइज अभी मस्त अपना कढ़ाई धो के ला दी और इसमें बैठा दिए हैं गैस पे, और अपना अभी मस्त सूख रहा है, उसके बाद तेल वगैरह डालेंगे और उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे। तो गाइज देख लीजिए अभी अपना मस्त पनीर फ्राई कर लिए हैं, और अभी जा रहे हैं ग्रेवी का तैयारी करने, यहाँ पर अपना कढ़ाई है गैस पे, तो पनीर फ्राई हो गया, अब जा रहे हैं ग्रेवी का तैयारी करने गाइज। सो गाइज देख लीजिए अभी अपना मस्त ग्रेवी रेडी हो गया, और अब हम इसमें अपना पनीर भी डाल दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर अपना पनीर है, और सब ग्रेवी का सब सेटअप हो गया गाइज, सब हो गया। अब लास्ट मेजन है, और ये है हमारा धनिया जो कि सोने पे सुहागा है गाइज इसके लिए, और अपना हम धनिया भी डाल दिए, और हो गया हमारा सब सब्जी का काम। अब बस थोड़ा पकने देते हैं, और अभी जितना हमको ग्रेवी चाहिए अपना झोल उतना हम उतार देंगे, अभी इसको देख के बंद कर देंगे, अभी तो फिलहाल ज्यादा पानी है, अभी थोड़ा इसको पकने देते हैं आराम से। और कलर तो गाइज देख सकते हैं काफी अच्छा शानदार कलर आया है, बनाने नहीं आता है लेकिन ट्राई किए हैं, देखते हैं कैसा बना है हमसे। सो गाइज हमारा फाइनली पनीर बन के रेडी हो गया, और अभी हम गैस को कर दिए हैं बंद। तो गाइज ज्यादा पतला झोल नहीं किए हैं, और अच्छा मोटा झोल किए हैं ताकि हमको रोटी साथ खाना है, और मम्मी मेरे लिए रोटी बना के गई है, यहाँ पर है इस कटोरे में। तो गाइज यहाँ पर हमारा रोटी है, देख लीजिए, और मम्मी बना के गई थी, मम्मी को पता था कि हमको रोटी बनाने आता नहीं है, इसलिए इतना रोटी बना दी थी सुबह में ही। और अभी हम यहाँ पर गैस पे तवा बैठा दिए हैं ताकि थोड़ा इसको गर्म कर लें, सुबह का ही रोटी है गैस तो ठंडा हो गया, तो अभी गैस पे थोड़ा जा रहे हैं गर्म करने इसको। तो गैस देख लीजिए कैसा सब टेढ़ा हो गया है रोटी मेरा, तो अभी सबको गर्म कर देते हैं अच्छा से,
पर यहाँ पर है अपना रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, तो सोचे कि इसको भी थोड़ा लगा के घस देते हैं ताकि अच्छा ताजा हो जाएगा मेरा रोटी। तो हल्का हल्का तेल डाल के सेक देते हैं गाइस रोटी को अपना। तो अभी बारी बारी से सब रोटी को अपना सेकते हैं फिर चलते हैं खाने। तो गाइज मस्त अपना रोटी वगैरह भी सेक लिया और अपना सब्जी भी लेके आ गए यहाँ पर, तब मस्त निकालते हैं अपना खाना और खाते हैं गाइज। तो गाइज मस्त अपना खाना निकाल लिया और लेके आ गया खाने के लिए। अब देखते हैं थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ग्रेवी और काफी मस्त लग रहा है गाइज देखने में, एकदम मस्त लाल कलर में हुआ है। तो पहले देखते हैं टेस्ट करते हैं। एकदम लाजवाब बना है गाइस और काफी स्वादिष्ट भी बना है। हमको तो लगा कि मेरा हम बनाए हैं तो खराब बनेगा, लेकिन लग रहा मेरा भी हाथ में जादू है थोड़ा बहुत। काफी मस्त बनाए गाइस एकदम लाजवाब। तो अभी बात करने का टाइम नहीं है, पहले खाते हैं उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं।